नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेकर के आए हैं और मनीषा देवांशी के बारे में सब कुछ, पूरी डिटेल और उनकी सक्सेस स्टोरी, जो आज थानेदार बन चुकी है, एसआई बन चुकी है, तो उनके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको। तो बताते हैं आपको, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। और मनीषा देवांशी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और कमेंट में बधाई ज़रूर कर दीजिए आप। तो दोस्तों, मनीषा देवांशी उदयपुर के पास एक गाँव है जो रेबारियों का गुड्डा है। वह 6 किलोमीटर दूर है, मात्र 6 किलोमीटर दूर उदयपुर से है इनका गांव। और एमबीसी जो महिला वर्ग में इन्होंने सेकंड रैंक ला करके पुलिस उपनिरीक्षक यानी एसआई थानेदार बन चुकी है आज के टाइम पर। और इनका फेसबुक आईडी है, आप देख सकते हैं, मनीषा देवांशी उप सरपंच के नाम से इनकी फेसबुक आईडी है। और ये उप सरपंच भी रह चुकी है अपने गांव में। तो दोस्तों, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग इनकी बात बता दूं। देवांशी युवा संगठन यूट्यूब चैनल है जिस पर इन्होंने भाषण दिया था, जो एक कार्यक्रम हुआ था रेबारी समाज का, तो वहाँ पर इन्होंने भाषण दिया था देवांशी युवा संगठन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इन्होंने कहा था कि मैं एसआई बनकर के आऊं और मेरे गांव में, और ये पुलिस लाइन में ही जाना चाहती थी बचपन से ही, इनका शौक था कि मैं पुलिस लाइन में जाऊं। और ये गए और इनका सपना साकार हुआ आज। और बहुत बहुत बधाई हम देते हैं इनको पुलिस उपनिरीक्षक बनने पर। और आप भी दे सकते हैं कमेंट में इनको, और लाइक कर सकते हैं इनके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पहली बार आ रहे हैं तो ऐसे ही जानकारी आपको चाहिए समय समय पर, तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।